आईआईटी बीएचयू में बीटेक की छात्रा से हुए रेप के मामले में सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा है। दरअसल गैंगरेप के तीनों आरोपियों ने वारदात के 3 दिन बाद यानी 5 नवंबर को शहर छोड़ दिया था। वह मध्य प्रदेश चले गए थे। तीनों आरोपियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है। आरोपियों की माने तो आईआईटी बीएचयू में छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद वे डर गए। सूत्रों की माने तो तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और आनंद उर्फ अभिषेक से शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो लोग करीब हर रात घूमने के लिए बीएचयू कैंपस जाते थे। 1 नवंबर की शाम नाटी हिमले के लक्का मेले को देखकर निकले। इसके बाद उन्होंने पहले शराब पी, इसके बाद बीएचयू कैंपस पहुंचे। वहां रात करीब 1:30 बजे लड़की को दोस्त के साथ टहलता देख तीनों ने बुलेट रोक ली, पीड़िता के दोस्त को भगा दिया, फिर जोर जबरदस्ती की। वारदात के बाद बीएचयू के हैदराबाद गेट से तीनों बाहर निकल गए। वारदात के बाद वाराणसी पुलिस ने 6 किलोमीटर तक 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। 5 नवंबर को पुलिस को बुलेट पर इन तीनों आरोपियों का फुटेज मिला। कंफर्म होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को सीसीटीवी दिखाया। पीड़िता ने फुटेज देखकर आरोपियों के चेहरे पहचान लिए। बताया कि यही वो तीनों थे जिन्होंने गन पॉइंट पर न्यूड वीडियो बनाया। आरोपियों के चेहरे कंफर्म होने के बाद पुलिस ने उनकी शिनाख्त शुरू की, उनका नाम, पता और अन्य चीजों की जानकारी जुटाई, सीसीटीवी इकट्ठा किए। तीनों आरोपियों का मोबाइल नंबर पता चलने के बाद वारदात के वक्त उनकी लोकेशन ट्रेस की। आपस में ये सभी कड़ियां जुड़ती चली गई। इधर 5 राज्यों की चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। ऐसे में तीनों आरोपियों को मध्य प्रदेश चुनाव में सोशल मीडिया का काम मिल गया। तीनों ने शहर छोड़ दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे केस पर नजर बनाए हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा करती रही। उधर तीनों आरोपी आश्वस्त हो गए कि अब पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि सारी कड़ियां मिलने के बाद और कंफर्म होने के बाद 30 दिसंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और आनंद से पूछताछ के बाद सामने आया है कि 1 नवंबर की शाम नाटी इमली के लक्का मेले को देखने के बाद वे बीएचयू कैंपस पहुंचे थे और उन्होंने वहीं पर वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों की माने तो तीनों आरोपी जब बीएचयू के हैदराबाद गेट से बाहर निकले तो वहां लगे सीसीटीवी में ट्रेस हो, लेकिन नाइट विजन कैमरा नहीं होने से फुटेज क्लियर नहीं आई। पुलिस ने बीएचयू के सिंह द्वार के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक किया, उसमें बुलेट से ट्रिपलिंग करके रात 1 बजे अंदर जाते हुए दिखाई दी। पुलिस को रात 1 बजे कैंपस के अंदर गई बुलेट पर शक हुआ। फिर लंका, रविदास गेट, बेलूपुर और इसके आगे के फुटेज को चेक किया गया तो बुलेट की पहली लोकेशन चेतगंज में चल रहे नकटैया मेले में मिली। यहाँ कैमरों में आरोपियों की क्लियर फोटो दिखी। इसी फोटो को लेकर पुलिस ने छात्रा से पहचान कराई तो उसने शिनाख्त की। सभी लोकेशन के सीसीटीवी वाराणसी पुलिस ने कब्जे में ले लिए। सूत्रों की माने तो तीनों ने वारदात कबूल ली है। उन्होंने कहा कि रात को छात्रा और एक छात्र को कैंपस में घूमते हुए देखा, वहां छात्रा से जबरदस्ती की और वीडियो शूट किया। हालांकि अपनी सफाई में उन्होंने यह कहा कि वीडियो बनाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। बहरहाल इस मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद भी पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।